मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई क्या होगा लखीमपुर वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 5 लाख से ज्यादा वोट से कमल खिलाना है या नहीं खिलाना है? फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिन्होंने आसाम को शांत समृद्ध विकसित शिक्षित बनाने का संकल्प किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई भावेश कलिता जी, कैप्टन अभिमन्यु चौधरी जी, डॉक्टर रानेज पेंगू जी, मानव डेका जी, नवा कुमार डोले जी, भुवन पेगू जी, फणीधर बोरुआ जी, हमारे राज्यसभा सांसद कलिता जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे लखीमपुर के भाजपा के प्रत्याशी आगे आओ भाई, प्रधान बरुआ जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज लखीमपुर की रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों आज गुड़ी पड़वा का पर्व है, जैसे आप लोग बिहू उत्साह से मनाते हो, पश्चिम भारत में और देश भर में गुड़ी पड़वा को नव वर्ष मानते हैं। मैं आज समग्र देश को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देता हूं। मित्रों आज जब मैं यहां आया हूं, तब समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, टुसु देवी, भगवान महादेव को शीश झुकाकर प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आसाम की भूमि पर आया हूं, मां कामाख्या का आशीर्वाद समग्र देश पर होता है, मगर मां ने अपनी रहने की जगह तो आसाम के पर्वत पर ही तय की है। नीलांगन पर्वत पर बैठी हुई मां को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों 19 तारीख को आप सभी को तय करना है कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ? आपकी दादी के समय से, आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया, हजारों युवा अशांति की राह पर चले,
मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते करकर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर करकर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। आसाम के सम्मान की बात करते हो, आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे? आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर करकर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। आसाम के सम्मान की बात करते हो, आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे? आपको भूपेन हजारिका भी याद नहीं थे? भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। आप आसाम की बात करते हो, आसाम की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप असम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। आसाम समझौता करकर आसाम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया, हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गेंडों को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गेंडों को सुरक्षित करकर आसाम के टूरिज्म को सुरक्षित किया, और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि, जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, आसाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, सत्रों की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, आसाम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया, और लसित बरफुगन के लिए आसाम सरकार ने कुछ नहीं किया था, सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। केंद्र में नरेंद्र मोदी आए या हेमंत जी आए, लसित का गगनचुंबी पुतला बनाकर वो वीर पुत्र को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सिर्फ असमिया में नहीं, सिर्फ असमिया में नहीं, भारत की 23 भाषाओं में लसित बरफुगन की कथाएं बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम भारत ने किया। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आसाम के अंदर मोदी जी के 10 साल विकास के 10 साल रहे हैं। आसाम के अंदर मोदी जी के 10 साल के अंदर अनेक शांति समझौते हुए, विकास का काम हुआ, और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आसाम आने वाले दिनों में देश के बाकी राज्यों की तरह एक विकसित राज्य बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी सालों से राम मंदिर को अटका कर बैठी थी, मोदी जी के समय में ही जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, और 22 जनवरी को रामलला को अपने भव्य मंदिर में प्रस्थापित करने का काम भी हो गया। और मित्रों, पहली बार 500 साल के बाद रामलला रामनवमी के दिन
अपने भव्य मंदिर में बैठे थे वो हम सब के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। भाई और बहनों, मोदी जी ने न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बदलने का काम किया है। मोदी जी का एक वाक्य नॉर्थ ईस्ट के हर एक मतदाता ने याद रखने जैसा है, देश का भाग्य तभी बदलता है जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलता है, आसाम का भाग्य बदलता है, और देश का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब आसाम का विकास होगा। मित्रों, इसी तहत पूरे आसाम में से 80% क्षेत्र से 80% क्षेत्र से अपसफा हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और यहां पर शांति को स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछने आया हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने आसाम को क्या दिया था? 2004 से 14 तक 10 साल में आसाम के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,62,000 करोड़ रुपया दिया था। एक और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 1,62,000 करोड़ रुपया दिया और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,62,000 से बढ़ाकर 4,15,000 करोड़ रुपया आसाम को देने का काम किया है। इसके साथ साथ सड़क निर्माण के लिए 30,000 करोड़, 95,000 करोड़ रेलवे के लिए और 10,000 करोड़ एयरपोर्टों के विकास के लिए दिया है। और पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को कैंसर से मुक्त बनाने के लिए एक कैंसर के अस्पतालों का जाला बुना गया है। और मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले दिनों में 5 साल में ऐसा समय आएगा कि आसाम से किसी को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बाकी देश से लोग यहां इलाज करने आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। मेडिकल कॉलेजों का जाला बुन लिया गया। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, एम्स गुवाहाटी में बना, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बना, नलबाड़ी में 500 बिस्तर का अस्पताल बना, 500 करोड़ से धुबरी में मेडिकल कॉलेज बना, 500 करोड़ से कोकराझार में मेडिकल कॉलेज बना और करीमगंज का कॉलेज भी 24 तक पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने आसाम के गरीबों के लिए लगभग सारी समस्याओं का निवारण किया है। 18 लाख लाभार्थी किसान सम्मान निधि का फायदा प्राप्त करते हैं। 55 लाख घरों में नल से जल पहुंचा है। 1,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कारण 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मिल रहा है और 43 लाख शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2,30,00,000 गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 51 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कई सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो दाखिल किया, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एस्टैब्लिश करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, उत्तराखंड में यूसीसी लाया। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी वहां से नहीं अटकती, वो कहती है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। लखीमपुर वालों, मुझे बताओ,
धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तब गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और मित्रों, ये कांग्रेस कल्चर से है, जब चीन का हमला हुआ लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता, इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा आसाम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी डोकलाम में, 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। मित्रों, मैं आज अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का हब है। आसाम का विकास, नॉर्थ ईस्ट का विकास भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकसित बनाएंगे। एक प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट की मुलाकात करने वाला मिला है, वो नरेंद्र मोदी है। और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने 700 से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की मुलाकात की है। नॉर्थ ईस्ट में इस बार समय है सभी की सभी सीटें एनडीए के साथियों को जिताने की। आसाम की 14 सीटें हैं। मैं आसाम के सभी मतदाता भाइयों बहनों को विनंती करता हूं, 14 में से 12 सीटें देनी चाहिए। मुझे बताइए, ये 12 कमल में लखीमपुर होगा क्या? जरा जोर से बोलो, होगा? हेमंत जी ने कहा है 5 लाख से बड़ी लीड चाहिए, 5 लाख की लीड से जीतेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, 5 लाख से ज्यादा लीड से जीतेंगे? आज से गांव गांव में, घर घर में जाकर कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी की और भारत माता की तस्वीर लेकर पहुंच जाइए, मोदी जी के संदेशवाहक बनिए और 19 तारीख को 5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ लखीमपुर की सीट को जिताइए। यही आप लोगों से अभ्यर्थना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से भारत माता का जयकारा लगाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का, विशेषकर युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোক লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি।